हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आप सभी को पता है, इजी वे में प्रीवियस वीडियोस में ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर के दो पार्ट पढ़ चुके हैं, और हमने ग्रेट क्रिटिक कौन होता है, कॉमन पर्सन कौन होता है, नार्कोटिक को अम्यूजमेंट के लिए पढ़ने में क्या डिफरेंस होता है या क्या सिमिलरिटी होती है, तो ये सारी चीज हम कवर कर चुके हैं। आज हम ग्रेट बुक की क्वालिटीज पढ़ने वाले हैं और थोड़ा शॉर्ट रखेंगे आने वाले वीडियोस को, ताकि आप अच्छे से इसको रिवाइज कर सके। तो चलिए चलते हैं। देखिए बच्चों, क्वालिटीज ऑफ अ ग्रेट बुक, जस्ट टू सेव योर टाइम, पहले से लिख लिया मैंने ताकि आपका टाइम बचे थोड़ा। 7 नंबर का एक बार क्वेश्चन आ चुका है, ये तो हो सकता है दोबारा आ जाए, कि महान किताब की विशेषताएं क्या होती है। ठीक है, तो आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा। देखिए, पहली विशेषता एक महान किताब की क्या होती है, वॉन्ट टू रीड इट अगेन, आप उस किताब को दोबारा पढ़ना चाहेंगे, वही महान किताब होगी। ऐसे नहीं एक बार पढ़ लिया और आपने उसको फेंक दिया या साइड में रख दिया, आप दोबारा पढ़ना चाहेंगे उसको। सेकंड पॉइंट, गिव्स न्यू मीनिंग्स एंड न्यू ब्यूटीज, जब भी आप एक ग्रेट बुक को पढ़ेंगे, नई अर्थ निकलेगा उसमें और नई सुंदरता दिखेगी। सिर्फ नया अर्थ और नई सुंदरता क्या होती है, सपोज कीजिए आज आप 14 साल के हैं, तो आप जिस किताब को पढ़ेंगे तो उसमें आपको वो मीनिंग्स एज के अकॉर्डिंग नजर आएगी। जब आप 20 साल के होके उसी बुक को पढ़ेंगे तो एक नई मीनिंग और नई ब्यूटीज दिखेगी और आपको उसकी इनर मीनिंग समझ में आएगी। तीसरा पॉइंट, एडमायर्ड बाय जनरेशन या 100 ऑफ ईयर्स उसको एडमायर किया गया हो, मतलब प्रशंसा की गई हो उसकी, किसके द्वारा, पीढ़ियों के द्वारा, मतलब हमारे दादा दादी परदादा सबने उस बुक को पढ़ा हो, और एडमायर मतलब अप्रिशिएट किया हो, प्रशंसा की हो, 100 ऑफ ईयर्स कई सालों तक वो किताब पढ़ी गई हो और अभी भी पढ़ी जा रही हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल नाम लो हैरी पॉटर, आप जानते हैं जेके रॉलिंग में लिखी है, जब ये बुक पहले आती थी फिर बाद में फिल्म बनती थी उसके ऊपर, तो उसकी बुक की जितनी भी कॉपीज होती थी पहले बिक जाती थी, आप सभी को पता है इस चीज का, तो वो होती है ग्रेट बुक। फोर्थ पॉइंट, पास द टेस्ट ऑफ टाइम, लगभग वही मतलब है इसका, ऐसी किताब महान किताब होती है जिसने टेस्ट ऑफ टाइम पास कर लिया, मतलब पहले भी उसको लोग पढ़ते थे, आज भी लोग पढ़ रहे हैं और आने वाले टाइम में भी उसको पढ़ेंगे, तो वो टेस्ट ऑफ टाइम पास कर लेगी। नेवर गेट्स ओल्ड, एक ग्रेट बुक कभी भी पुरानी नहीं होती, आप जानते हैं बुक में जो भी वर्ड्स होते हैं वो हमेशा नए लगते हैं, जब कोई दूसरा पढ़ेगा नए लगेंगे, आप अपनी एज के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो नए लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हिडन मीनिंग, हिडन जानते छिपी हुई, एक ग्रेट बुक में हमेशा एक छिपा हुआ अर्थ होगा, मतलब आपको अच्छे से पहली बार में वो क्लियर समझ नहीं आएगा, अगर वो क्लियरली पहली बार में समझ आ जाए तो ग्रेट बुक है ही नहीं, तो हिडन मीनिंग होगी उसमें। नेक्स्ट पॉइंट, एट फर्स्ट रीडिंग कैन नॉट फाइंड इट्स मीनिंग, वही मतलब है, पहली बार जब महान किताब पढ़ोगे, आप स्टूडेंट के रूप में किताब पढ़ोगे महान, तो उसकी मीनिंग आपको पहली बार में पता नहीं लगेगी। आप स्टूडेंट की बात छोड़िए, कोई भी पढ़ेगा, एक ग्रेट बुक की मीनिंग पहली बार में पता नहीं लगती, आप सभी जानते हैं इस चीज को। नीड्स एक्सपीरियंस टू स्टडी, एक महान किताब को पढ़ने के लिए अनुभव की जरूरत है, वही अनुभव कैसे आता है, उम्र के साथ, या पढ़ते जाते हैं तब हमें पता लग जाता है कौन सी भी बुक हमें पढ़नी है, किससे हमें इंटेलेक्चुअल फूड मिल रहा है, नॉलेज मिल रही है कि नहीं मिल रही। नेक्स्ट पॉइंट, हाफ एजुकेटेड पर्सन कैन नॉट रीड इट करेक्टली, एक महान किताब को कौन नहीं पढ़ सकते थे, कौन नहीं पढ़ पाएंगे, हाफ एजुकेटेड पर्सन। नाउ अब बच्चों आपको बताया, मैंने हाफ एजुकेटेड पर्सन आपको बताया तो कौन होता है, ऐसे लोग जो ये नहीं जानते कि हाउ टू रीड, पढ़ते कैसे, वो बुक को पढ़ते तो हैं लेकिन स्टोरी जानने के लिए, मजे के लिए पढ़ते हैं, उसकी मीनिंग जानने के लिए नहीं पढ़ते, उसकी ट्रू सेंस में उसकी मीनिंग पता नहीं लगा सकते, वो कौन होते हैं, हाफ एजुकेटेड पर्सन। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेट बुक की क्वालिटीज क्या होती है। चलिए एक लाइन से एक 2-3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, चलते हैं चैप्टर की और वाइंड अप करते हैं। तो चलिए चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लाइन से पूछ सकता है आपसे और यहीं पे आपका चैप्टर एंड हो जाएगा। अ ग्रेट बुक ग्रोज, एक महान किताब बढ़ती है, एग्जैक्टली मतलब ठीक उसी प्रकार से, किस प्रकार से, इन प्रोपोर्शन मतलब अनुपात में, टू द ग्रोथ ऑफ अ रीडर्स माइंड, ग्रोथ जानते विकास, मतलब जैसे जैसे इंसान का दिमाग विकसित होता है वैसे वैसे एक महान किताब बढ़ती चली जाती है, मतलब हम जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे हमारा माइंड डेवलप होता जाएगा, महान किताब की क्वालिटीज बढ़ती जाएगी और हमारे सामने आती जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कैसे, तो देखिए एक महान किताब जो होगी जब आप 18 साल के होंगे, गिव्स डिलाइट, वो क्या देती है, खुशी या आनंद, 18 साल की उम्र में आनंद देगी, खुशी देगी,
जब आप 25 के हो जाएंगे और 25 के होकर उसी बुक को जब पढ़ेंगे, प्रोवाइड्स मोर डिलाइट, खुशी देगी, आनंद देगी, लेकिन और ज्यादा, क्योंकि आपका अनुभव बढ़ चुका है। ठीक है, जब आप 30 साल के होंगे, प्रूव योर लुक्स न्यू, वही महान किताब जो आप दोबारा पढ़ेंगे 30 साल की उम्र में, वो किताब कैसी दिखेगी आपको? नई दिखाई देगी, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बढ़ चुका है। जब आप 40 साल के होकर उस किताब को देखेंगे तो आप उस, आपकी इच्छा होगी री रीड, आप उसको दोबारा पढ़ें, आपकी खुद से इच्छा होगी कि वो किताब कितनी बढ़िया थी, उसको पढ़ना चाहिए दोबारा। और जब आप दोबारा पढ़ेंगे 40 की उम्र में, नई मीनिंग और नई ब्यूटी उसमें दिखाई देगी। और जब आप 50 या 60 के हो जाएंगे, जब उस किताब को आप दोबारा पढ़ेंगे तो सेम फैक्ट्स रिपीट, यही तथ्य रिपीट होंगे। कौन से? 18 साल की उम्र में खुशी, 25 की साल में ज्यादा खुशी, 30 की साल में नहीं दिखेगी, 40 में रीड, और 50-60 में वही फैक्ट, यही फैक्ट रिपीट होते जाएंगे। तो आई होप कोशिश की है बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाने की, आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।